हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद अरविंद। और फ्रेंड्स, आप अपने कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं या फिर आप कोई पुराना कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं तो उसकी सारी जानकारी, जैसे रैम कितना है, प्रोसेसर कौन सा है, इस तरह की सारी जानकारी आप अपने या किसी भी कंप्यूटर में देख सकते हैं। कंप्यूटर के जन्म कुंडली देखने के लिए अलग अलग बहुत से तरीके हैं जिनके द्वारा आप किसी भी कंप्यूटर की पूरी जन्म कुंडली देख सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर की जन्म कुंडली देखने के लिए आप माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पर जाते हैं। वहां से आपका रैम, प्रोसेसर, इसके अलावा जो है आप माय कंप्यूटर में जाके आप हार्ड डिस्क देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और प्रोसेस है जो कि सबसे आसान प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए क्या करना है कि आप विंडोज के साथ आप आर प्रेस कीजिए ताकि रन बॉक्स ओपन कर सके, और उसमें आपको टाइप करना होगा DXDIAZ, ठीक है। और ये टाइप करने के बाद जैसे आप यहां से ओके करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि एक विंडो शो करेगा। तो दोस्तों, ये जो विंडो आपके सामने दिखाई देगा, इसमें से हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले करेंट डेट जो है, डेट एंड टाइम शो कर रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर का नाम वो शो कर रहा है। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, तो जैसे विंडोज 10 प्रो 64 बिट ये शो कर रहा है। इसके अलावा सिस्टम का मॉडल शो कर रहा है ना। इसके बाद बायोस का डेट जो है वो शो कर रहा है, वर्जन शो कर रहा है, प्रोसेसर शो कर रहा है। इसके अलावा जो है कौन कितना जीबी का रैम लगा वो शो कर रहा है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो इसमें भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर जाइए, साउंड से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ से इनपुट से रिलेटेड है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कंप्यूटर का पूरा जन्म कुंडली जो है आप इस टूल की मदद से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।